को अगर थोड़ी भी शर्म होती, मैं कहूंगा कि थोड़ी भी हया सरकार को होती, सरकार बेगैरत नहीं होती, तो इस मामले में कोई गैरत मामले, जैसे मान लीजिए हमारे देश में शास्त्री जी जैसे लोग थे, एक दुर्घटना हुई, उन्हें इस्तीफा दे दिया, आपके कस्टडी में एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई, वो दुनिया का सबसे बड़ा माफिया हो, लेकिन उसने चीख चीख के सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पुलिस मेरी हत्या करा देगी, और आपने सुप्रीम कोर्ट में दावा और वादा किया था कि इसका बाल विवाह का नहीं होगा, वह आपके कस्टडी में मारा गया, आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आपने उस मामले में सॉरी तक कहा, आपने सिपाही तक सस्पेंड नहीं किए उसको, बल्कि उल्टे आपके पार्टी के लोग यह प्रचारित करने लगे कि हमने यह हत्या कराई है, हमने मतलब सरकार ने। तो जो इस तरह की स्थितियां चल रही हों, जहां सरकार इस बात का भी ढिंढोरा पीटती हो कि हमने पुलिस कस्टडी में हत्या करा दी। अभी आज एक न्यूज चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई के पिस्टल से अतिक की हत्या की गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई भी संभव है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मौजूदा सरकार जिस तरह काम कर रही है, उसके जैसे उसकी जैसे इस तरह के जो कारिंदे हैं, जो एसटीएफ है, तो एसआईटी है, ये क्या कहते हैं और इनकी सच्चाई क्या है, इसमें अंतिम सवाल आया है कि 2000 की नोट बंद करने का एक अभी आरबीआई का नियम आया है, इस पे दो शब्द केवल। देखिए, हम सिर्फ यह कहेंगे कि वो भी वही है कि जब मन होता है कि हम एक पॉलिसी अपना देते हैं, मन होता है हम दूसरी बात कह देते हैं, पूरे जो डबल इंजन है उस इंजन की दिशा कहाँ है, दशा कहाँ है, कोई नहीं जानता है। इसमें जनता का नफा है कि नुकसान है? जनता का तो उस नोटबंदी में भी नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, आपने हमने हर व्यक्ति ने वह नुकसान अनुभव किया, जनता को दोबारा नुकसान होगा, जनता फिर त्राहिमाम करेगी, एक बार त्राहिमाम किया दोबारा त्राहिमाम करेगी। इनको लगता है कि इन्होंने विष बेल लोगों में फूट डाल के जीत का औजार प्राप्त कर लिया है, बाकी सब चीजें इनके लिए बेमानी हो गई। धन्यवाद, गोरखपुर समाचार से बात करने के लिए धन्यवाद। सर, मैं यूपी एक्सप्रेस से हूँ। चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं सर कि निकाय चुनाव में आपकी पार्टी ने सहभागिता दर्ज कराया या अभी पूरी तैयारी नहीं हुई थी? देखिए, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी वास्तव में नहीं हुई थी जी। और मैं खुले आम कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अनुभव किया कि राजनीतिक पार्टी के रूप में आना और चुनावों में हिस्सेदारी करना, सफलता प्राप्त करना, ये बहुत ही ये अलग अलग स्थितियाँ। अभी हम उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी ने प्रतिभाग किया, कुछ जगहों पे हमारी पार्टी को कोई स्थान नहीं मिला, लेकिन कुछ जगहों पे दूसरे स्थान पे रही और मतलब मैं कहूँगा संतोषजनक प्रदर्शन किया जी। हम इस बात से बखूबी भिज्ञ हैं कि अभी चुनावी स्थितियों के लिए हम परिपक्व अवस्था में नहीं हैं, लेकिन राजनीति में समाज के योगदान में हमारा काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जितनी हमने अपेक्षा की थी कि जितना कुछ हम कर पाएंगे समाज के लिए, उससे कुछ बढ़ के ही हम काम कर पा रहे हैं जी। अभी स्थानीय निकाय चुनाव में जो राजनीति में अराजकता दिखाई पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जनपद भी है, राजनीति में अराजकता जो दिखाई पड़ी है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो यह मानना है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी जब से इन्होंने संवैधानिक पद प्राप्त किया है, तब से एक एक जिसको कह सकता हूँ मैं घनघोर अराजकता की स्थिति अनवरत बनती रही है, बन चुकी है जी। हर स्थान पे घनघोर अराजकता है और सिर्फ जिसको मैं कह सकता हूँ जुमलों के आधार पे, कलाबाजियों के आधार पे सरकार चल रही है, सरकार अपने आप को सफल भी मान रही है, कहीं ना कहीं बंटवारे के ढंग से, वर्ग द्वेष के आधार पे वोट पा रही है सरकार, सफल हो रही है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो सरकार की हकीकत है, जो जनता के सरोकार है, वो पूरी तरह पीछे छूट गए हैं। इतना ही नहीं, ज़्यादा खतरनाक बात यह हो गई है कि अब एक पुलिसिया तांडव की स्थिति बन गई है। आपके खुद गोरखपुर में, मैं अभी चर्चा कर रहा था, यहाँ एक दरोगा है गौरव सिंह, पहले एक जगह उन्होंने तमाम लोगों से मारपीट की, उनका बाल बांका नहीं हुआ, ट्रांसफर हो गया, जाके वहाँ उन्होंने दलित बस्ती में मारपीट की, शाहपुर में, पादरी बाजार में। पहले मैंने ट्वीट किया उस मामले में,
तो मुझे उल्टे गोरखपुर की जो पुलिस है उसने मुझे धमकी दी कि आप गलत ट्वीट ना करें, अफवाह फैलाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैंने देखा कि दो दिन बाद उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन अभी भी मात्र निलंबित किया गया, अभी भी उन पर FIR नहीं दर्ज हुआ है, जो कानून की मांग है। तो एक अजीबोगरीब पुलिसिया राज कायम हो गया है, जहाँ जिसको मन उसको हाफ और फुल एनकाउंटर हो रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट लग जा रहा है, गुंडा एक्ट लग जा रहा है, और अब तो पुलिस कस्टडी में भी हत्या हो रही है। तो इसके लिए जनता को इसके निजात पाने के लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। देखिए पॉलिटिकली हम लोग भी एक्टिव हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम जैसे इलेक्टोरेट तक पूरी तरह पहुंच पाए, लेकिन जनता को करने के लिए और जनता को अपने लिए अपने पास बुला सकने के लिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लगातार कृत संकल्प हैं। ठीक है, धन्यवाद। नीचे कर लिया जाता अधिकार सेना राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गोरखपुर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारी पार्टी गोरखपुर में किस प्रकार से कार्य कर रही है उसके बारे में आकलन करना, साथ ही साथ गोरखपुर की क्या प्रशासनिक राजनीतिक स्थितियां हैं, क्या सही गलत हो रहा है उसके संबंध में सम्यक आकलन करना था। प्रदेश पूरे यूपी पुलिस की स्थिति जो है, हमने यह अनुभव किया कि जानकारी हमने प्राप्त की यूपी पुलिस की स्थिति जितनी खराब है उससे गोरखपुर पुलिस की स्थिति और भी बदतर है। हम सभी इस बात से भली भांति दिव्य हैं कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिसिया राज स्थापित किया जा चुका है, जहां पुलिस जिसको जब चाहे मनमाने ढंग से उठा सकती है, उसका हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर कर सकती है, उस पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, रासुका, टाडा, कोई भी कानून इनके हाथ में अगर है तो उसको लगा सकती है। नई नई धाराएँ रोज लगा रही है, और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होती है या कार्रवाई की धमकी होती है। स्वयं आपके गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर हैं, एक उदाहरण के लिए गौरव सिंह एक सब इंस्पेक्टर हैं, पहले उन्होंने एक चौकी में एक फूल वाले से मारपीट किया, हल्ला हुआ, सिर्फ उनको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी चौकी शाहपुर में। शाहपुर में दलित बस्ती में गए, महिलाओं से मारपीट की, गंभीर मारपीट की। मैंने उस मामले में ट्वीट किया, गोरखपुर पुलिस ने मुझे जवाब दिया, भ्रम न फैलाएं नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके दो दिन बाद जब मामला सीरियस हो गया तो उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। हम अभी जाएंगे मौके पर, उन लोगों से मिलेंगे, हम उन लोगों के साथ हैं, अधिकार सेना पूरी तरह उनके साथ है, क्योंकि उनके परिवार वालों का ये कहना है कि इसमें निलंबन किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं है, इसमें उस दरोगा के खिलाफ SC ST एक्ट में FIR होना चाहिए, और हम उस FIR की मांग भी करेंगे और उसको हम इंश्योर करेंगे कि FIR हो। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी गई, विकास का जो ये इंजन है वो यहाँ सिर्फ यह दिखता है कि इतना मनमाना इंजन है यहाँ पे। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊँगा, यहाँ जो आपके नौका विहार वाला जो यहाँ पर ये बना, रेलिंग बना, कब बना, कब टूटा, क्यों बना, क्यों टूटा, 2 साल में 3-4 बार वह बना और 3-4 बार टूटा। क्यों बना कोई नहीं जानता, क्यों टूटा यह भी कोई नहीं जानता। दूसरा एग्जाम्पल में बताओ, पैंडलेगंज से ट्रांसपोर्ट नगर में डिवाइडर बना, क्यों डिवाइडर बना यह कोई नहीं जानता। साल भर होते होते क्यों तोड़ दिया गया यह भी क्यों नहीं जानता। पूरी तरह मनमाने ढंग से विकास के नाम पर कार्रवाई हो रही है, बनाने में अलग घाल में लूटपाट, तोड़ने में अलग लूटपाट। तो यह केवल विकास के नाम पे लूटपाट की सरकार बनी हुई है। यूपी सरकार में लाइन आर्डर को लेकर जिस तरह यूपी सरकार लगातार वाहवाही कर रहे हैं, तो लाइन आर्डर इनके का जो किस तरह है, उत्तर प्रदेश के लॉ ऑर्डर के मेरी समझ में 3 ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो उत्तर प्रदेश के लॉ ऑर्डर की सच्चाई को खोल देते हैं। मैं करीब 30 साल पुलिस में रहा, मैंने यह अकेली सरकार देखी है जिसमें 2 बार जेल के अंदर हत्या हुई है। कोई इतनी अच्छी सरकार नहीं रही है जिसने जेल में 2 बार हत्या को देखा हो, और वह भी जो है, और हर बार दावा करती है कि जेलों में परिंदे पर नहीं मारते मारते हैं, परिंदे पर मारे न मारे रिवॉल्वर जरूर वहाँ पर मारता है, और 2-2 बार ये पर मारे और 2 लोगों की हत्या हुई जेल में।
यह पहली सरकार मैंने देखी जिसने पुलिस कस्टडी में एक आदमी की हत्या करा दी और उसकी वाहवाही भी लूट रहे हैं कि हमने पुलिस कस्टडी में हत्या करा दी। यदि कोई भी सरकार जिसकी थोड़ी भी गैरत होगी वह इस बात की वाहवाही नहीं लूटेगी कि हमने पुलिस कस्टडी में हत्या करा दी, क्योंकि पुलिस कस्टडी में पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की होती है। इन तीन घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार की लॉ ऑर्डर कैसी है। क्या लगता है सर, कुछ भी बात आप लगातार बोल रहे हैं, क्राइम लगातार इनकाउंटर से क्राइम खत्म हो सकते हैं? मैं यह देख रहा हूँ कि सारे क्राइम हो रहे हैं, सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। बस यह है कि पुलिस निरंकुश हो गई है, पुलिस को यह हक मिल गया है कि जिसको चाहे जब चाहे जिस तरह चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे और चीख कोई न निकाले। जबरा मारे रोए न दे का जो सिद्धांत है वह उत्तर प्रदेश पुलिस ने अख्तियार कर लिया है। यदि आपने कोई खबर चला दी, मैंने कोई बात कह दी, तो मुझ पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, आप लपेट लिए जाएंगे। घटनाएं सब हो रही हैं और मौके पर लोग उसी प्रकार से क्राइम काम कर रहे हैं जैसा संभवतः इनके पहले की सरकारों की स्थिति की बदतर स्थिति, लेकिन यह अपनी वाहवाही करने और ठोकने में कोई मौका नहीं छोड़ते। 2024 को लेकर क्या चाहिए? देखिए, हमारी एक नई पार्टी है, हमारी खुद की पार्टी है। अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि कोई एक व्यापक कोई बहुत बड़ा जनाधार हम पा ले पा रहे हैं, क्योंकि हम धर्म की जाति की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। हमें समय लग रहा है, लेकिन इतना निश्चित है कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे 2024 में। अभी मैं बिहार में गया, वहाँ कई जिलों में हमने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी शुरू की है, प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में हम कर रहे हैं तो हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वो किस हद तक कितना सफल होंगे इसकी कोई गारंटी मैं नहीं जानता, लेकिन प्रत्याशी उतारेंगे और शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन करने का इरादा है जी? गठबंधन भी हो सकता है जी? निश्चित रूप से, यदि हमें योग्य गठबंधन मिलता है, हमारी पार्टी को इसके लिए सहमत होती है और हमें सम्मानित स्थान मिलते हैं तो हम गठबंधन करेंगे। क्योंकि सबके बाद भी चूँकि हमारे देश में राजनीति जो है उसमें संपत्ति और विधायिका की प्रमुख भूमिका है, तो अगर मैं या हमारे साथी जाते हैं संसद में या विधानसभा में तो हमारी पार्टी के जो मूल सिद्धांत है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए गठबंधन करना पड़े तो हम इसे गठबंधन करेंगे। बीजेपी से नहीं कर सकते हैं? अभी हमारे नहीं पूछी माने भी तो नहीं किया था, नहीं जरूर आदमी तो किसी चलो पर के नाम का अच्छा सवाल है, किसी से ये पत्रकार ऐसे होना चाहिए। हां ठीक है, तो देखा लोग अभी आप गठबंधन की बात करते हैं, बीजेपी से भी गठबंधन कर सकते हो? मौजूदा समय में जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्यों में बना रखी है और जिस प्रकार से जनता उसको लेकर प्राइमरी कर रही है, मौजूदा स्थितियों में हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से उनकी रीति का नीति का कार्यों का खुला विरोध कर रही है। अतः हम किसी भी स्थिति में मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ किसी भी स्थिति में गठबंधन नहीं करते। अगर आपकी शर्तें मान ली जा रही तो बीजेपी से गठबंधन कर सकते? यदि अपने मौलिक स्वरूप में जो गुनाह पर गुनाह कर रही है अगर अपने गुनाहों को मान लेती है उसमें परिवर्तन लाती है तो हमें क्या आपत्ति है, क्योंकि हमें जनता की अच्छाई से मतलब है। लेकिन आप अच्छाई के नाम पर जो गुनाह कर रहे हैं उसका हम चूंकि विरोध कर रहे हैं, उस गुनाह का हम हिस्सा कभी नहीं बन सकते। गठबंधन एक ऐसा शब्द है वो कहीं भी सेट हो जाता है और कभी भी सेट हो जाता है, उसको समय वक्त